से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई तिलका गढ़शंकर का वो घटना याद कर लिया करो। योगी शिवनाथ जिसने वर प्राप्त कर लिया शिवजी से कि मेरे जो दर्शन करेगा एक साल का स्वर्ग मिलेगा, और अगर मैं चाहूं जिसे चाहूं 100 साल के लिए भी स्वर्ग दे दूं। ढिंढोरा पिटवा दिया उसने कि जो मेरे दर्शन करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, चाहे कितना भी पापी आदमी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लोगों की लाइन लग गई, पूरा गांव उमर पड़ा। योगी शिवनाथ जब जाने लगा वहां से, कहने का कोई रह तो नहीं गया मेरे दर्शन किए बिना। शॉर्ट में बता रहे दास, क्योंकि पहले दास ये घटना सुना चुका है। तो लोगों ने कहा एक गुरु का सिख है, वो दर्शन करने नहीं आया। योगी ने अपने सेवादारों को भेजा, जाओ उसे कहो मेरे दर्शन कर ले, स्वर्ग मिल जाएगा। सिख ने वापस भेज दिया कि चले जाओ यहां से, मुझे नहीं जाना, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब योगी शिवनाथ ने ये बात सुनी, कहने लगा जाकर कहो मैं तुम्हें 10 साल का स्वर्ग देता हूं, ना माने तो कहो 20 साल का स्वर्ग देता हूं, मेरे दर्शन कर ले। अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिख ने कहा नहीं मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब योगी ने कहा कोई बात नहीं, वो नहीं आता तो हम चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब सिख ने सुना कि योगी दर्शन देने आ रहा है, सिख ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। योगी दरवाजा खटखटा रहा है कि खोल दरवाजा, दर्शन कर ले, मैं तुझे 100 साल का स्वर्ग देता हूँ। सिख कहने लगा चले जाओ, कहीं मैंने तुम्हें देख लिया मुझे स्वर्ग ना मिल जाए, मैं अपने गुरु के चरण छोड़कर स्वर्गों में नहीं जाना चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये होता है सिदक। बहुत बड़ी घटना है। आखिर योगी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे अपने दर्शन दे दे, मैं ऐसे आदमी के दर्शन करना चाहता हूं जो स्वर्गों को लात मार रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो सिख गुरु अर्जन देव जी महाराज का सिख, पांचवें गुरु नानक। राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन, प्रीत चरण कमला रे, कि मैं अपने गुरु का चरण छोड़कर स्वर्ग भी नहीं चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।